ये कहा है, लेकिन हम देखने में आ रहा है कि 185 ने ली है और हमारी रियासत बड़ी पसमांदा इलाका है और बड़े गरीब लोग हैं और उसमें हमें ये खदशा है कि आने वाले दिनों में हमारे किसानों से सारी ज़मीन खरीद के अगर बाकी लोग बाहर के लोगों के इसी तरह ये रहा तो हमारे लोग लैंडलेस हो जाएंगे और जॉबलेस हो जाएंगे। आज सारी यूनिवर्सिटियों में देखा जाए तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर बाहर से हैं। आज सारी एम्प्लॉयमेंट बाहर को जा रही है, बैंक J&K बैंक में बाहर से लोग लगाए जा रहे हैं। तो हमारी सिर्फ इसी बात को लेकर खर्चा है कि ये AIIMS और जितने इदारे बन रहे हैं, नए जितनी चीज़ें बन रही हैं उनमें जो जॉब प्रोटेक्शन कानून जो है उनको लाया जाए और लैंड प्रोटेक्शन के ऊपर कानून लाया जाए ताकि जम्मू के लोगों की ज़मीन भी बच सके, उनकी नौकरियां भी बच सकें। ये आम आदमी पार्टी के जितने हम यहाँ नेता बैठे हैं, ये हमारा एक इस सरकार के साथ निवेदन है। और अगर ये बात नहीं मानेंगे, आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर स्टेटहुड के लिए हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में इसके लिए प्रदर्शन करेगी और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए जो हिंदुस्तान का जिसको ताज कहा जाता था, जिस रियासत को, मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम सारे आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं मोहतमाना एक गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दा आपका भी है, आपके भी भाई बहनों की बात हो रही है, हम अकेले किसी की बात नहीं कर रहे, आप भी इस मुद्दे को हमारे साथ होकर उजागर करें और इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हों।